साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको माता पाथरी माता धूतनी वाली की शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ कि माता पाथरी वाली चिराग से हाजिर होकर करेगी आपके दुखों का निवारण। जो मैं विधि भक्तजनों आपको बताने जा रहा हूँ माता पाथरी माता धूतनी वाली की, अगर आप उस विधि का प्रयोग करेंगे तो माता पाथरी वाली की हाजिरी होगी और माता पाथरी वाली की आपके ऊपर सवारी आ सकती है और माता रानी आपको साक्षात दर्शन दे सकती है, आपको वचन दे सकती है। ये बिल्कुल साधारण विधि है भक्तजनों, हर भक्तजन इस विधि का प्रयोग कर सकता है। जो भी माता पाथरी धूतनी वाली को मानते हैं, जिनके घरों में माता पाथरी धूतनी वाली का चिराग लगता है, तो वह इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं जो मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो अगर आपके घर में कोई भी भूत वादा है या किया कराया है, उसका भी निवारण करेगी माता पाथरी माता धूतनी वाली। और इसके अलावा आपके ऊपर हाजिरी भी आ सकती है अगर आप माता पाथरी वाली की सवारी लेना चाहते हैं। तो इसके लिए भक्तजनों, जो सामग्री है, जो भोग प्रसाद है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। इसके लिए भक्तजनों आपने एक लेना है माता पाथरी धूतनी वाली का सरसों का चिराग, और जोड़ा लेना है आपने लड्डूवन का, और एक कच्ची लस्सी का लेना है आपने गिलास। और इसके लिए भक्तजनों, यह जो माता धूतनी माता पाथरी वाली का चिराग है, इस चिराग के आगे आपने उपलों की अंगियारी बनाने के बाद भक्तजनों आपने देसी घी और सरसों के तेल की होम डालनी है, और उसके ऊपर यह जो जोड़ा लड्डूवन का है उसका थोड़ा सा भोग लगाना है भक्तजनों, और यह जो कच्ची लस्सी है उसका भी आपने उस होम में एक छीटा लगा देना है, एक होती डाल देनी है, और यह जो लड्डू और कच्ची लस्सी है उस चिराग के ऊपर से, उस होम के ऊपर से आपने वार लेनी है। अगर तो भक्तजनों आपने अपने घर के भूत प्रेत मड़ी मसान कोई भी किया कराया है, अगर आपके घर के ऊपर है, उनका आपने निवारण करना है, तो यह जो लड्डू हैं और यह जो कच्ची लस्सी है इसका पूरे घर में से आपने उतारा करना है और सभी व्यक्तियों के ऊपर से उतारा करना है। और उसके बाद इसको आप लड्डूवन और कच्ची लस्सी को या तो आप किसी बाहर खुले कलर मैदान में डाल सकते हैं, या फिर बाहर माता धूतनी का कोई थान बना हुआ थे उसके ऊपर भी आप इसको अर्पण कर सकते हैं। और यह जो विधि है आपने भक्तजनों बुधवार वाले दिन, शुक्ल पक्ष के बुधवार वाले दिन भक्तजनों आपने इस विधि का प्रयोग करना है। और जो भक्तजन चाहते हैं कि मंत्र जाप करने के बिना ही हमारे ऊपर माता पाथरी धूतनी वाली की सवारी आए, तो वह भक्तजन इसी विधि को नित्य कर्म अनुसार ऐसे ही भोग प्रसाद लगाते रहें, होम धूप डालते रहें, ऐसे ही चौगान या माता रानी के थान के ऊपर भोग प्रसाद लगाते रहें। बुधवार से भक्तजनों आप जो विधि है इसका आप प्रयोग करें नित्य कर्म अनुसार 21 दिन, तब माता पाथरी धूतनी वाली की आपके ऊपर सवारी आ सकती है और आपको साक्षात माता रानी दर्शन दे सकती है, सपने में आपको दर्शन दे सकती है, और आपके सभी दुखों का निवारण करेगी माता पाथरी माता धूतनी वाली, अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। और जो भक्तजन अपने शरीर के ऊपर सवारी चाहते हैं माता रानी की, तो जो जो लड्डू हैं और ये जो कच्ची लस्सी है, केवल अपने शरीर के ऊपर से, अपने सर के ऊपर से 7 बार इसको लड्डूवन और कच्ची लस्सी को वारें, और उसके बाद ही आपने चौगान या माता रानी के थान के ऊपर ये भोग प्रसाद अर्पण करना है। ऐसा करने से आपके घर के ऊपर और आपके सभी परिवार के ऊपर और आपके शरीर के ऊपर माता रानी की पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई विधि एक नई साधना लेकर, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।